हेलो फूडीज, वेलकम टू कॉकीज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल आसान तरीके से बनाने वाली कुल्फी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 पैकेट ओरियो लिया है। यहाँ 120 ग्राम का एक पैकेट है। तो चलिए हम इससे निकाल लेते हैं सारे बिस्किट्स मैंने निकाल लिए हैं। इसे हम ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड कर लेते हैं क्रीम के साथ। सारे बिस्किट्स मैंने जार में ले लिए, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्किट्स मैंने यहाँ क्रश करके निकाल लिया है बाउल में। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पहले दूध ऐड करेंगे। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी बताऊंगी किस तरह से हमें रखना है। अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। अभी स्टेज पे हमें यहाँ क्रीम ऐड करना है क्रीमी टेक्सचर के लिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। 1/2 कप मैंने यहाँ मिल्क डाला है। मेजरमेंट का जो कप होता है उसी मेजरमेंट से मैंने यहाँ 1/2 कप मिल्क डाला है। देखिए बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें आप इस स्टेज में ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। चलिए अब इसे हम मोल्ड में डाल लेते हैं। मेरे पास यहाँ गुल्फी मोल्ड है, मैं यहाँ इस मोल्ड में डाल रही हूँ। देखिए सारे मोल्ड हमें इसी तरह भरने हैं। सारे मोल्ड मैंने भर लिए हैं। इसे मैं इस तरह से इसके कैप से बंद कर रही हूँ। सारे मोल्ड्स मैंने रेडी कर लिए हैं। इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज करना है, या फिर जब तक कम्प्लीटली ये सेट ना हो जाए तब तक हम इसे फ्रीजर में छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, गुल्फी हमारी सेट हो चुकी है। अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। यह मैंने एक बाउल में पानी रखा हुआ है। थोड़ी देर इसे हम इस तरह से अंदर रखेंगे ताकि हमारी गुल्फी जो है आसानी से निकल आए। देखिए अब आसानी से ये हमें, देखिए कुल्फी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। देखिए मैंने यहाँ सर्व कर लिया है कुल्फी को ना। इसे हम सजाएंगे ड्राई फ्रूट से। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं। मैंने यहाँ शुगर भी नहीं यूज किया है क्योंकि हमने लिया था क्रीम बिस्किट। बिल्कुल आसानी से आप इससे एंजॉय कर सकते हैं बनाकर घर पर। जरूर ट्राई कीजिए यह रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।